सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही है कैलरी मीट्री की और पार्ट बी में हम पहुंच चुके हैं। चेंज इन फेज के बारे में बात हो रही है और अभी हम बात करने वाले हैं मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। इससे पहले हम देख चुके हैं कि मेल्टिंग क्या होती है, फ्रीजिंग क्या होती है। मेल्टिंग का मतलब अगर हम सीधा सीधा देखें तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। और इसका उल्टा मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम फ्रीजिंग देखते हैं। इनको थोड़ा सा और डीप में देखते हैं और समझते हैं कि क्या ये बोलना चाहते हैं। तो द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेज बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट एब्जॉर्ब करके एक सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। उसका उल्टा देखते हैं, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। ओके, अभी तो हम टेम्परेचर के बारे में बात करें, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, और ये फिक्स होता है। ओके, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, कि किस पॉइंट पे मेल्ट होगा। अब जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, वो -1 पे मेल्ट नहीं होती है, वो -5 पे मेल्ट नहीं होती है, समझे बात को, वो 1 डिग्री पे मेल्ट नहीं होती है, वो 0 डिग्री पे ही मेल्ट होना शुरू हो जाती है, समझे। तो इसको बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। तो द रिवर्स चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड, द रिवर्स चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड फेज विद द लिबरेशन ऑफ हीट। अगर आप लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपको हीट लिबरेट करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, इट विल बी अपोजिट एग्जैक्टली एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फ्रीज टू सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0। इसलिए लिखा गया है कि फॉर ए प्योर सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, मतलब जिस पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे आप मेल्ट हुए थे उसी टेम्परेचर पे आप फ्रीज भी होंगे, ठीक है। आगे, फॉर अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग इज सेम एज द लिबरेटेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग। मतलब एक सॉलिड जितनी हीट लेके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एक लिक्विड अगर उतनी ही हीट वापस दे देगा तो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल्टिंग एंड यू कैन से फ्रीजिंग। ओके, दोनों ही एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। मेल्टिंग का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है और फ्रीजिंग का मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना है। सो अभी के सेशन के लिए इतना ही काफी है, आगे आने वाले सेशन में हम बात करेंगे हीट कर्व क्या होती है और वो मेल्टिंग या फ्रीजिंग के दौरान कैसी हमें दिखती है। सो टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड।